जालौन मेट्रो से मरश्मी पांडे। माधोगढ़ जालौन नगर पंचायत माधोगढ़ में मस्जिद के पास बाजार में सोमवार को देर रात्रि में अचानक 3 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से जनरल स्टोर की दुकान और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। मामला नगर पंचायत माधोगढ़ मस्जिद के पास बाजार का है, जहां पर आबिद पुत्र मोहम्मद सफ्तार की इलेक्ट्रॉनिक तथा सलामत पुत्र रहमत अनीश पुत्र रफीक की जनरल स्टोर की दुकान है। दुकानदारों ने बताया कि शाम के समय दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए। रात्रि 10 बजे के बाद अचानक जानकारी मिली कि उनकी दुकानों में आग लग गई। आग लग जाने के कारण उनकी दुकानों में रखा इलेक्ट्रॉनिक तथा जनरल स्टोर का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकान में बिक्री हेतु रखा लाखों का सामान आग लग जाने के कारण जलकर खाक हो गया। मौके पर उपजिलाधिकारी अंगत यादव सहित पुलिस प्रशासन आग लगने के कारण में जानने में जुट गई है। जालौन मेट्रो माधोगढ़ संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? आप किसकी दुकान किए थे? लाइट की, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, जो आग लगी है इसमें आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? 10-12 लाख का। आग लगने के कारण कुछ पता चल सका है? अभी तो कुछ नहीं पता चला, जानकारी नहीं हो सकी। क्या नाम है आपका? परवेज। अच्छा, जो आग जो है आग लगी है इसमें किस कितना नुकसान हुआ है आपका? तकरीबन 8-9 लाख। 8-9 लाख। किसकी दुकान थी आपकी? कॉस्मेटिक जनरल स्टोर। जनरल स्टोर का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अच्छा, ये आप किसकी दुकान थी आपकी? कॉस्मेटिक की थी। जो आग लगी है वो आपका आग लगने का कारण कुछ पता है? कुछ कारण नहीं, मगर साजिशन आग ही लगाई गई है। अच्छा अच्छा, कितना आपका लगभग नुकसान हुआ है? 4-5 लाख रुपए। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।